हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द व्यू ऑफ लर्निंग। स्वागत है आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे, विच इज पार्ट ऑफ एन अकेडमी। तो दोस्तों, थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है पिछले कल से, एंड कल इसी वजह से ले नहीं पाया था मैं क्लास। आज भी थोड़ा सा डाउन ही है, लेकिन थोड़ी सी हिम्मत करके ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सो थोड़ा सा पेन हो रहा थाई में, मुझे एब्सेस हो गया भाई में, तो उसकी वजह से बहुत पेन हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा है, और उसकी वजह से फीवर भी हो गया है ना। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे फॉलो नहीं किया है, नए बच्चों ने, तो मेरी स्पेशल क्लासेस देखें, वहाँ पे फायदा उठाए उनका। फ्री में बहुत सारी क्लासेस डाल रखी है वहाँ पे, अच्छी अच्छी जम्बल सेंटेंस से लेके टेंसेस तक की बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस डाल रखी है ना। तो मेरा नाम सर्च करें और मुझे फॉलो करें अनअकैडमी। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है बिब्लियोग्राफी, और इस बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट, है ना। तो बिब्लियोग्राफी आपकी सूची होती है ना, मतलब बुक्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स होती है ना, एक ऑथर ने कौन कौन सी किताब लिखी है, उसका क्या क्रम है, पहली किताब कौन सी थी, उस सब्जेक्ट के ऊपर कौन सी किताब कब लॉन्च हुई, तो ये सारी जो डिटेल्स होती है वो बिब्लियोग्राफी कहलाती है ना, है ना। बिब्लियोग्राफी डिटेल्स होती है, इवेंट्स की क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, कब किताब लिखी गई है, किस तरीके से लिखी गई है, कौन से सब्जेक्ट पे लिखी गई है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके बिब्लियोग्राफी के अंतर्गत आती है ना। राइट, अच्छा वर्ड है, काफी प्यारा वर्ड है। दूसरा आज का हमारा वर्ड है ट्राइनियल, जिसका मतलब होता है त्रैवार्षिक, है ना। मतलब तीन साल में अगर कोई एक्शन होता है, मतलब कोई ऐसी चीज जो कि तीन साल में एक बार होती है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ट्राइनियल वर्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस देखो, यहाँ पे द कॉन्फ्रेंस दैट टेक्स प्लेस Once in 3 years, कोई भी ऐसी चीज है ना, कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई भी ऐसी चीज जो तीन साल में एक बार होती हो, ट्राइनियल कहलाती है। तीन साल का पीरियड आपके ट्राइनियल कहलाता है, बाइनियल आपके दो साल का कहलाता है ना, और एनुअल आपके वन साल का कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप लोगों के सामने रिटोरिक है, और ये रिटोरिक होती है आपके वाकपटुता, मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एग्जेजरेटेड स्टाइल इंटेंडेड टू इम्प्रेस, ठीक है। मतलब बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखना, है ना, एग्जेजरेट करके चीजों को लिखना ताकि आप इंप्रेस कर सको अपनी भाषा से, अपनी लैंग्वेज से, रेटोरिक कहलाता है। राइट, तो ये वाक्पटुता होती है, एग्जेजरेटेड स्टाइल होती है बोलने की या लिखने की, जिससे कि लिखने में भी इसका हम काफी प्रयोग करते हैं वर्ड का। तो ऐसी राइटिंग या ऐसी स्पीच जिसके अंदर थोड़ा एग्जेजरेशन किया गया है इंप्रेस करने के पर्पज से, रेटोरिक कहलाती है। समैरिटन आपका नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी, है ना। तो आपने कई बार सुना होगा ही इज ए गुड समैरिटन, मतलब एक बहुत ही नेक आदमी, एक अच्छा आदमी है। गुड समैरिटन मतलब एक ऐसा आदमी है जो एक अनजान व्यक्ति की भी मुसीबत में हेल्प कर देता है, गुड समैरिटन कहलाता है। डेमागोग आपका नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडाइसेस, मतलब जो लोगों को भड़काता है। डेमागोग आपके पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो इंसाइट करते हैं लोगों को, अपनी स्पीच से, अपने शब्दों से लोगों में उत्तेजना का संचार करता है, वो आपके डेमागोग कहलाता है। तो पांचों ही वन वर्ड आपके बहुत अच्छे थे, एक एक करके ये जो पांच सेंटेंस है इनमें हम इसे फिल करेंगे दोस्तों। हर स्पीच वॉज जस्ट रिटोरिक, उसकी स्पीच जो थी वो केवल और केवल रिटोरिक थी, मतलब एग्जेजरेटेड थी, उसमें कुछ भी मीनिंगलेस नहीं था, कुछ भी मीनिंगफुल नहीं था, ठीक है। द काइंड समैरिटन, दूसरे में आपके समैरिटन हो जाएगा कि जो अच्छा नेक दिल आदमी था, समैरिटन था, काइंड, instead of passing by, वो केवल पास नहीं करा, stop to help this person in need, है ना। तो जो व्यक्ति था उसकी मदद करने के लिए वो रुका। readers are referred to the bibliography for further information, readers जो है वो उनसे request की गई है कि वो आपके इसकी bibliography को refer करे आगे की information के लिए, है ना। the demagogue has won a people support, कि जो demagogue है वो लोगों का support जो है वो जीत चुका है। और पांचवा आप लोगों के सामने, we signed a dash contract yesterday, है ना, हमने एक तीन साल का ट्राइनियल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर लिया है ना। तो ये पांच आप लोगों के सामने जो है वो सेंटेंस है, और ये फिलर हैं जो आपने फिल कर लिया है यहाँ पे, है ना। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं ईडियम्स की तरफ, है ना। तो ईडियम है आज की हमारी पहली, वेट वंस विसल, और इसका मतलब होता है टू हैव अ ड्रिंक, है ना। आज की ईडियम पहली है वेट वंस विसल, का मतलब होता है टू हैव अ ड्रिंक, है ना। इफ यू आर लुकिंग फॉर बारनी, she is down at the pub waiting his whistle, right? If you are looking for Barney, he is down at the pub waiting his whistle, right? तो अगर तुम बार्नी के लिए, if you are looking for Barney, अगर आप बार्नी के लिए बार्नी को ढूंढ रहे हो, if you are looking for Barney, he is down at the pub, वो pub के अंदर मौजूद है, अपने whistle को wait कर रहे हैं to have a drink, ठीक है? Drink के लिए वो
वेट कर रहे हैं सब आपके यहाँ ना। चलो, बरी द हैडसेट का मतलब होता है मेक पीस, मतलब दो लोगों के बीच में जब हैडसेट को बरी कर दिया जाता है, इसका मतलब उनके बीच में एनमिटी खत्म हो जाती है, उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शांति का भाव आ गया ना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखो, बाय द फियर ऑफ पुलिस द गैंग ऑफ कॉलेज रिक्वेस्टेड टू बरी द हैडसेट टू द गाय हु वाज बीटन सो बैडली जस्ट फॉर नॉट ओबेइंग गैंग्स ऑर्डर। तो जो कॉलेज की गैंग थी, उन्होंने पुलिस के डर से बरी द हैडसेट करना डिसाइड किया, जिसको उन्होंने उस लड़के के साथ में जिसको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से पीटा था ना, उसके साथ शांति स्थापित कर लिया ना। नेक्स्ट इडियम है बच्चों कूल वंस हील, जिसका मतलब होता है टू कीप वेटिंग, है ना, इंतजार कराते रहना आपके कूल वंस हील कहलाता है। आई बीन कूलिंग माय हील्स इन द डॉक्टर्स वेटिंग रूम फॉर एटलीस्ट एन आवर, पिछले एक घंटे से अपने हील्स को कूल कर रहा हूँ, मतलब वेट कर रहा हूँ सब आपके, है ना। टू कीप वेटिंग आपके कूल वंस हील कहलाता है, राइट। लाइव वायर आपके नेक्स्ट इडियम है, जिसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि एनर्जेटिक और लाइवली है, अ पर्सन हु इज लाइवली और एनर्जेटिक आपके लाइव वायर कहलाता है। जेनिफर इज द ओनली लाइव वायर, द रेस्ट ऑफ द ग्रुप इज टोटली डल, कि बाकी का जो पूरा ग्रुप है वो पूरी तरीके से डल है साहब आपके ना। फील ब्लू का मतलब होता है इन ट्रबल और डिप्रेस्ड, है ना। तो नेक्स्ट ईडियम आप लोगों के सामने फील ब्लू है, जिसका मतलब होता है आपके इन ट्रबल और डिप्रेशन में होना या ट्रबल में होना। आई वॉज रियली फीलिंग ब्लू आफ्टर शी टोल्ड मी शी वॉज लीविंग, जैसे उसने बोला कि वो जा रही है, मैं ब्लू फील कर रही थी, मतलब मैं डिप्रेस फील कर रही थी, काफी ट्रबल में, ट्रबल जो है या परेशानी को मैं फील कर रही थी, यहाँ पे कहना चाह रहा है ना। तो बच्चों मैच द कॉलम की तरफ बढ़ते हैं, पांचों बहुत ही शानदार इडियम्स है ना। वेट वंस विसल टू हैव अ ड्रिंक, बरी द हेडसेट, मेक पीस, कूल वंस हील, टू कीप वेटिंग, लाइव वायर, लाइवली और एनर्जेटिक, और फील ब्लू ट्रबल में होना, डिप्रेस में होना, ठीक है। वेट वंस विसल का मतलब होता है टू हैव अ ड्रिंक, बरी द हेडसेट मतलब टू मेक पीस, कूल वंस हील का मतलब होता है अपनी हील को कूल करना, मतलब वेट करना, live wire a person who is lively or energetic or feel blue in trouble or depressed, ठीक है। तो पांचों मैच कर ली होगी आप लोगों ने। गाइज आप लोगों को मेरे कोर्सेज के बारे में पता ही है, रेफरल कोड हर्ष 11 मत भूलना, नंबर भी आप लोगों को मैंने दे रखा है। कैसे लेते हैं, अनअकैडमी प्लस क्लोज, अपनी कैटेगरी को चूज करना, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना, अपनी कैटेगरी चूज करना, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना, आप लोग पाएंगे कि 12 महीने का प्लान सबसे सस्ता, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट प्लान है, ये 6000 रुपए का है। रेफरल कोड ऊपर हर्ष 11 लगाकर अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद में आप क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप मेरे से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पे मेरे चैनल का नाम है इंग्लिशर्स। आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं, सेम नाम से मैं मौजूद हूँ, इंग्लिशर्स नाम से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।